दिल्ली में हुए अनुसूचित जाति की एक बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को घेरने को लेकर प्रदर्शन कर रही है और इस वक्त राजधानी रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक पर कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता जो हैं अल्बर्ट टिक्का चौक पर कैंडल मार्च निकाले हैं। और जिस तरह से ये मामला सामने आया था, जाहिर तौर पे लोगों में एक गुस्से का उबाल देखने को मिला था और उसी का असर भी राजधानी रांची के अल्बर्ट टिक्का चौक पर भी देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कांग्रेस अनुसूचित जाति के जो कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता पुरुष कार्यकर्ता कैंडल मार्च लेकर निकले हैं और जो आरोपी हैं, जिनकी कई आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो उन्हें जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। बातचीत भी करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ अध्यक्ष है, राजू राम जी अध्यक्ष हैं, कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। कैंडल मार्च निकाले हैं, क्या कहना? कैंडल मार्च निकालने का हम लोग का मुख्य कारण यही है कि अमित शाह और मोदी को केंद्र सरकार के नेतृत्व में उसका जो शासन है, दिल्ली में शासन है, उसी को आंख के सामने जो हम लोग नाबालिग के साथ बलात्कार करके उसको जान से मार दिया गया है और उस पर ही मोदी सरकार अमित जो चुपचाप शांत बैठे हैं उसका ना कोई इंसाफ मिल रहा है। और लोग क्या करते हैं, उसको बलात्कारी लोग पकड़ते हैं, थाना जेल भेजते हैं, जल्द से तुरंत रिहा जाता है। तो मेरा एक डिमांड है, बलात्कारियों को पकड़े हैं, बलात्कारियों को हम सरे हम उसको फांसी की सजा दें। गिरफ्तार तो हो गए हैं आरोपी जो है, तो गिरफ्तार हो गए हैं, उसको जेल भेजेगा, फिर एक महीना दो महीना बाद तीन महीना छोड़ दिया जाएगा, तो बलात्कारियों को इंसाफ नहीं मिलता। तो मेरा कहना है, मेरा गिरफ्तार किए उसको बलात्कारियों को अभिलंब उसको फांसी की सजा सुनाई जाए, उसको फांसी। भारतीय जनता पार्टी ने भी ये आरोप लगाया था आपके कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर, कि उन्होंने ट्वीट किया था पीड़ित परिवार का और सार्वजनिक तौर पे ट्विटर पे फोटो के साथ ट्वीट किया था, इसे किस तरह से देखते हैं? इसे ट्वीट किया था राहुल गांधी जी ने उसको उद्गार किया कि देखो तो गरीब दलित एक दलित के परिवार साथ शोषण होता है, उसके बाद अमित शाह और मोदी जी के आग नाक के सामने किया जाता है, मगर मोदी और अमित शाह चुपचाप बैठे रहते हैं, इसलिए राहुल गांधी को नजर खोलने की ट्वीट किया था। कानून तो इजाजत नहीं देता है ना पीड़ित परिवार का अब उसके जो सार्वजनिक तौर पे उनकी पहचान को उजागर करें, तो राहुल गांधी उजागर कर तो जब देखा कि मोदी जी और अमित शाह चुपचाप बैठे में, इसलिए उसको आँख खोलने के लिए ट्वीट किया राहुल गांधी जी। देखिए, जाहिर सी बात है कि घटना दुखद है और जिस तरह से निर्भया कांड हुआ था तो उसमें देश में एक लंबे वक्त तक आंदोलन चला था कि एक इस तरह की जब घटना घटती है तो कानून बनाया जाए और जल्द से जल्द फास्ट कोर्ट के माध्यम से इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को, अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले। जाहिर सी बात है कि दिल्ली में जिस तरह से नाबालिग बच्ची के साथ जो घटना घटी है वो दुखद है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के तरफ से भी लगातार ये बातें कही जा रही है कि जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और कानूनन उन्हें सजा भी दी जाएगी। हालाँकि कांग्रेस के तरफ से कहना है, चाहे दिल्ली में हो या देश के अन्य राज्यों में भी इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए। वहीं कई ऐसे सामाजिक संगठन हैं वो भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि खासकर इस तरह की घटना जो नाबालिग बच्चियों के साथ जो घटना घटती है तो उसको लेकर निर्भया कांड के बाद जो कानून बनाया गया था तो उसमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट तो हो ही रहा है, लेकिन इस तरह की घटना में जल्द से जल्द यानी फास्ट कोर्ट के माध्यम से और तमाम सामाजिक संगठनों की बात करें तो इस तरह के कार्यकर्ता जो प्रदर्शन करते हैं उनका कहना भी है कि जितना जल्द हो सके, एक महीना के अंदर हो सके, कि कड़ा से कड़ा सजा दिया जाए ताकि आने वाले समय में इस तरह के मानसिकता वाले जो अपराधी हैं उनको कहीं ना कहीं एक सबक मिल सके। कैमरा पर्सन जैन के साथ सुजीत कुमार, मिरर मीडिया, रांची।